विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत शीर्ष पहलवानों की ओर से लगे यौन शोषण और प्रताड़ना के आरोपों ने भारतीय खेल परिदृश्य को हिला कर रख दिया है और अब इस मामले में केंद्रीय खेल मंत्रालय से लेकर के भारतीय ओलंपिक संघ तक मामले को सुलझाने के प्रयासों में जुट गया है। इसी सिलसिले में IOA ने शुक्रवार 20 जनवरी को बड़ा कदम उठाते हुए कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है और साथ ही उनको 4 सप्ताह के लिए अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इस समिति में ओलंपिक मेडलिस्ट दिग्गज पहलवान योगेश्वर दत्त और वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर MC मैरी कॉम जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। आयोग की ओर से शुक्रवार शाम को जारी किए गए एक बयान में कहा गया, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई है। मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 एडवोकेट इसके सदस्य होंगे। भारतीय कुश्ती के सबसे मशहूर नामों में से एक योगेश्वर दत्त ने 2012 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं बोला है। वहीं दिग्गज बॉक्सर MC मैरी कॉम 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। इनकला कमेटी के सदस्यों में डोला बनर्जी भी हैं, जो भारत की मशहूर तीरंदाज हैं। साथ ही आयोग के ज्वाइंट सेक्रेटरी अलकनंदा अशोक और वेट लिफ्टिंग के फेडरेशन के अध्यक्ष सहदेव यादव को भी इस कमेटी में रखा गया है। 2018 जनवरी को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पुनिया और फोगाट समेत भारत के कुछ बड़े पहलवान धरने पर बैठ गए थे। फिर उन्होंने WFI अध्यक्ष फेडरेशन के कोचों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद गुरुवार 19 जनवरी को आयोग की अध्यक्ष PT उषा ने पहलवानों से अपील की थी कि वे उनके सामने अपनी परेशानियां रखें। उषा की अपील के बाद प्रदर्शनकारी पहलवानों के प्रतिनिधि के रूप में फोगाट, पुनिया, साक्षी मलिक और रवि दाहिया ने संयुक्त रूप से एक चिट्ठी आयोग को लिखी थी, जिसमें महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण और विनेश फोगाट को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने की शिकायत के अलावा वित्तीय अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया था। इन सब के बीच शुक्रवार देर शाम एक बार फिर से स्टार पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने पहुंचे। पहलवानों ने गुरुवार देर रात भी करीब 4 घंटे तक अनुराग ठाकुर से उनके आवास पर मुलाकात कर अपना पक्ष रखा और साथ ही उनके सुझाव सुने थे। दूसरे कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पक्ष पर डटे रहे और इस्तीफा देने की मांग को खारिज करते हुए बोले कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ब्रजभूषण सिंह ने इसके पीछे राजनीतिक और कॉरपोरेट साजिश की आशंका जताई। उन्होंने ऐलान किया था और शुक्रवार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों पर अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। हालांकि पहलवानों के प्रदर्शन के बाद हरकत में आए खेल मंत्रालय ने गुरुवार को उनके साथ 2 बार मुलाकात की। दिन में पहले मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसके बाद देर रात मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ चर्चा हुई। यहां पहलवानों ने अपनी शिकायतें बताई, जबकि खेल मंत्री अपनी ओर से सुलह के प्रस्ताव दिए। सूत्रों के मुताबिक करीब 4 घंटे की बैठक में अनुराग ठाकुर ने 3 कदमों के प्रस्ताव उनके सामने रखे थे। पहला, यौन शोषण के लिए 3 मेंबर समिति बनाई जाए। प्रदर्शनकारी पहलवान ही 3 सदस्यों के नाम प्रस्तावित कर जो जांच करेंगे। हम कुश्ती संघ के अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक चुनी हुई संस्था के अध्यक्ष हैं। जब तक कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट नहीं देती, तब तक ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आप को कुश्ती संघ से अलग कर लेंगे और किसी को कार्यवाहक का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जिन कोच पर गंभीर आरोप है, उनको भी जांच पूरी होने तक कुश्ती संघ से अलग कर लेंगे। एक चौंकाने वाली जानकारी ये भी निकल कर आई कि यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पहलवान इस बैठक के दौरान कुछ ठोस जानकारी दे पाए। इतना ही नहीं, बीती रात खिलाड़ियों ने कहा था कि कल सुबह फिर से आएंगे और सरकार के प्रस्ताव पर बात करेंगे। अब कुल मिलाकर के जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदला है, उसके बाद देखना दिलचस्प होता है कि इसकी रिपोर्ट क्या आती है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।